हेलो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी के वीडियोस में हम आज part-4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी करेंगे। अभी तक हमने 3 पार्ट्स कर चुके हैं, part-4 हम कर रहे हैं, इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों हो गए हैं। part-1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आर्टिकल्स 1 to 4 किए, part-2 में सिटीजनशिप आर्टिकल्स 5 to 11 किए एंड part-3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 to 35 की है। तो आज हम part-4 करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 36 में क्या है डेफिनेशन। तो किस बात की डेफिनेशन है देखते हैं। ये आर्टिकल 36 सिर्फ ये 2 लाइन है। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन part-3। तो इसमें 2 बातें पता चल रहे हैं। डेफिनेशन स्टेट का है, स्टेट मतलब क्या है, और दूसरा बोल रहे हैं कि ये part-4 का आर्टिकल 36 में जो डेफिनेशन होता है स्टेट का वो सेम टू सेम है part-3 में हमने पहले बताया, ये कह रहे हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, part-3 में जाके वहाँ कौन सा डेफिनेशन दिया गया स्टेट का देखना ही है। तो part-3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स, उसमें डेफिनेशन सबसे पहले वाला नंबर आर्टिकल 12 में है। तो रिपीट किया यहाँ, देखते हैं। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट, देखा स्टेट का डेफिनेशन दे रहे हैं। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट and the legislature of each of the states and all local and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो कह रहे हैं स्टेट का मतलब, नॉर्मली हम स्टेट और सेंटर बात करते हैं, स्टेट मतलब ओडिशा तमिलनाडु इस तरह के स्टेट समझते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस पार्ट में, इस आर्टिकल में, आर्टिकल 36 में या आर्टिकल 12 part-3 में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है। तो कौन सा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या पंचायत, कोई भी गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, कोई भी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब सिर्फ टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही नहीं, टेरिटरी मतलब एरिया, और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे टेरिटरी एरिया के बाहर कौन सा हमारा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एम्बसीज होते हैं तरह तरह के कंट्रीज़ में, तो वहाँ के एम्बसी का कोई भी ऑर्डर वो भी स्टेट ही माना जाएगा। तो स्टेट मतलब सिर्फ एक वर्ड नहीं है या एक एरिया नहीं है पार्ट कंट्री का, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ऐसा नहीं है। स्टेट का मीनिंग है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, लोकल गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी इंडिया के अंदर या बाहर का, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, ये है। तो आर्टिकल 36 का यही है, स्टेट का डेफिनेशन बोल रहे हैं कि ये स्टेट का डेफिनेशन पहले हम बोल चुके हैं आर्टिकल 12 में part-3 में, वही डेफिनेशन है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि part-4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को part-3 फंडामेंटल राइट से कंपेयर किया जा रहा है। ऐसा क्यों, डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल दोनों एक ही हैं तो एक ही पार्ट में क्यों नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में क्यों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंपलसरी राइट्स है, हमारा बेसिक राइट्स है वो। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सपोज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमें जैसे जो रिलीजन पसंद आए उस रिलीजन को फॉलो करने का राइट है हमारा। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता है, कोई ऐसे रोक रहे हैं हमको, तो हम कोर्ट पहुंच सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये है कि ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो वेलफेयर स्टेट होगा, अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डायरेक्शंस दे रही हैं गवर्नमेंट को, लेकिन ये ये वायलेट होते हैं तो सिटीजन्स कोर्ट पहुंच नहीं सकते हैं। तो यही डिफरेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल राइट्स में। तो अब देखते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं। इज ए पंचायत इन ए विलेज इन से ओडिशा स्टेट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ मैंने ओडिशा स्टेट बोला, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टेट बोला, यहाँ भी स्टेट वर्ड तो एक लग रहा है। ये स्टेट यह है कि एक पार्ट है इंडिया का, लेकिन ये स्टेट यह है गवर्नमेंट मीनिंग। तो ओडिशा स्टेट के एक पंचायत, ग्राम पंचायत क्या स्टेट कहला सकते हैं,
यस कैसे इस डेफिनेशन के तहत. सेकंड क्वेश्चन इज अ म्यूनसिपालिटी ए स्टेट यस. इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टेट यस. इज एन इंडियन एम्बेसी इन रशिया स्टेट यस. तो ये एग्जाम्पल्स हैं. तो दो क्वेश्चंस हैं. कैन ए सिटीजन अप्रोच ए कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स. तो अभी हमने डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सिटीजन कोर्ट अप्रोच कर सकता है. कैन ए सिटीजन अप्रोच ए कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. नो. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सिर्फ डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए एक वेलफेयर स्टेट होने के लिए, लेकिन ये वायलेट होते हैं तो कोर्ट पहुँच नहीं सकते हैं. थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो.